Hello everyone, welcome to Study Point. So here's the basic information about me. You can read this, and then we will going to start our today's lecture. Also, you can get the free notes and PDFs from our Telegram group. So you can join the Telegram from the given link. I will going to give you the link in the description box and also in the comment section. Going to be a master video for seated EVS. इट मीन्स वी आर गोइंग टू कवर कम्प्लीट ई वी एस ऑफ सीटेड इन अ सिंगल वीडियो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है और ई वी एस में आपके जितने भी टॉपिक्स हैं या फिर आप कह सकते हो एन सी आर टी से जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं या एन सी आर टी से जितने भी टॉपिक्स हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो so एक सिंगल वीडियो से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी और अगर इस लेक्चर की आपको पी डी एफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूँगी वहाँ से आप पी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पॉइंट में है लिंग हु फेन तो क्या चीज़ होती है देखिए हांगकांग में खाए जाने वाला एक ही पकवान होता है जो कि सांप के मांस से बनता है तो एन की प्रीवियस वीडियोस में भी हम इसको कवर कर चुके हैं बट क्योंकि ये एक कम्प्लीट वीडियो है जिसमें कि सारी एन आपकी होंगी तो स्टार्टिंग से हम सारी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है आपका टैपियो का तो ये केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाने वाला एक फल या सब्जी टाइप होता है ठीक है नेक्स्ट आपका लुई ब्रेल तो ये जो है वो ब्रेल लिपि का आविष्कारक जो थे वो आपके फ्रांस से थे लुई ब्रेल जिनका नाम था और जो ब्रेल लिपि होती है उसमें मोस्टली आपके सिक्स पॉइंट्स होते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे घरों की संरचना मींस किस स्टेट में या फिर किस किस जगह पे किस टाइप के घर बनाए जाते हैं स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैचिंग की फॉर्म में मिलेंगे मींस अलग अलग स्टेट के नाम आपको मिल जाएंगे और उनमें किस टाइप के घर की संरचना होती है वो आपको मिल जाएगा मैच द कॉलम में ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे असम की कि असम में बांस के खंभों पर टिके हुए घर बनाए जाते हैं जो कि दस से बारह फुट ऊँचे होते हैं ठीक है नेक्स्ट आपका मनाली मनाली में पत्थर और लकड़ी के बने घर होते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में तो यहाँ पे मोटी दीवारें और जो छत है वो कटीली झाड़ियों से बनती है ठीक है मोटी दीवार मतलब कि मिट्टी की मोटी दीवार बनाई जाती है जैसे कि क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है तो उनको थोड़ी सी ठंडक मिल सके जैसे कि अगर मिट्टी में आप पानी डाल देते हैं तो जब हवा उसको टच करके जाएगी तो हवा काफ़ी ठंडी हो जाएगी ठीक नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में एक चाय बनती है जिसका नाम है कहवा तो कहवा क्या है या फिर ये पेय पदार्थ कहाँ पे पाया जाता है इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो कहवा एक चाय है जो कि मोस्टली जम्मू कश्मीर में बनती है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें आपको मिलते हैं बादाम और इलायची मीन्स बादाम की एक चाय है ये कहवा नेक्स्ट है फिर आपका वल्लम तो वल्लम जो होती है वो एक प्रकार की छोटी नाव होती है लकड़ी की ठीक है केरल में चलाई जाती है नेक्स्ट कुछ एक फैक्ट है यहाँ पर आपका हाथी से रिलेटेड कि हाथियों के अगर झुंड की बात करें तो सबसे जो बूढ़ी हथनी होती है वही झुंड की मुखिया होती है और ये एक दिन में सौ किलोग्राम तक पत्ते खा लेते हैं तो जब ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड आता है तो इसमें कुछ कुछ आपको मिस्टेक्स मिल जाती है मीन्स सौ की जगह दो सौ लिखा होगा वहाँ पे या चार सौ लिखा होगा इस टाइप से आपको कंफ्यूज करने के लिए तो सारे स्टेटमेंट में से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है ठीक है या फिर कई बार आपको बताना होता है कि चारों स्टेटमेंट में से कौन सा एक या दो आपके ठीक है और जो हाथी होता है वो बहुत ही कम आराम करते हैं मीन्स ये दो से चार घंटे ही सोते हैं और इनको पानी में खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है तो झुंड में केवल हत्नियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं ठीक है तो मेल नहीं होते हैं इसमें केवल फीमेल्स होती हैं और उनके बच्चे कीचड़ में खेलना इनको काफ़ी पसंद है क्योंकि इससे इनका जो शरीर है वो काफ़ी ठंडा रहता है और इनके कान काफी बड़े बड़े होते हैं उसका रीज़न ये है कि ये अपने कानों से ही आ, हवा कर लेते हैं मीन्स उनको पंखों की तरह यूज करते हैं ठीक नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे खेजड़ी का पेड़ ठीक है तो खेजड़ी गांव जो कि राजस्थान में है तो यहाँ पे जो विष्णी लोग हैं वो ठीक है उनसे रिलेटेड ये फैक्ट है कि यहाँ शिकार और पेड़ काटने पर प्रतिबंध है ये आपको ही है क्योंकि बहुत ही एक वो गर्म इलाका है जहाँ पे अगर पेड़ों की कमी हो जाएगी तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा जो कि ऑलरेडी काफ़ी गर्म है तो पेड़ काटने के लिए यहाँ पे बिल्कुल मना है क्योंकि पानी की भी काफ़ी यहाँ पे कमी रहती है तो जो ये खिजड़ी नाम का पेड़ है ये रेगिस्तान में कम पानी में उगता है ठीक है क्योंकि इस पेड़ को उगने के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है और वैसे भी राजस्थान में पानी की कमी है तो ये पेड़ वहाँ के लिए अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की इसको जरूरत नहीं है कम पानी में ये उग जाता है ठीक है और इस पेड़ की जो छाल होती है उससे दवाई बनती है और इस पेड़ की जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता है पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनती है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये ठीक है नेक्स्ट आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री पी और लेक्चर्स के लिए ठीक है और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सीट या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड या करंट अफेयर आपको चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे ठीक है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अब नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं हम चीटियों की दुनिया ठीक है तो सभी चीटियाँ जो होती हैं वो अपने काम को बांट के रखती हैं ठीक है ठीके? मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारा सारा वर्कलोड किसी एक इंसान पे या फिर किसी एक मेंबर पे होता है ग्रुप में जितनी भी चीटियाँ होती हैं सभी मिल बांट के काम करती हैं जो रानी चीटी होती है वो केवल अंडे देती है और जो सिपाही चीटियाँ होती है वो केवल बिल का ध्यान रखती है और जो मजदूर चीटियाँ होती हैं वो भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती हैं तो जो चीटियाँ आपको घरों में फर्श पे या फिर पेड़ पौधों पर नज़र आती हैं कई दफ़े वो होती हैं आपकी मजदूर चीटियाँ जो कि काम करती हैं केवल भोजन को ढूंढ कर लाने का बाकी की आपको सिर्फ बिल में दिखाई दे सकती हैं, ठीक है और जो आपका दीमक मधुमक्खी और ततैया है वो भी इसी तरीके से काम करते हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मधुमक्खियों की तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है केवल कुछ ही मेल मधुमक्खियां होती हैं जो कि एक वर्कर के तौर पर मजदूर के तौर पे काम करती हैं और कई बार पूछा जाता है कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कौन सा होता है तो वो होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर ठीक यही समय आपको उपयुक्त माना जाता है मधुमक्खी पालन के लिए देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि गोवा से अगर आप केरल जाते हैं तो रास्ते में टोटल कितनी सुरंगें या कितने पुल पड़ते हैं तो नाइन्टी टू सुरंग यहाँ पड़ती हैं और टू थाउजेंड पुल मिलते हैं इस रेल मार्ग में ठीक है नेक्स्ट कुछ वर्ड्स uh, हैं मतलब कि मलयालम भाषा के कुछ शब्द हैं कि मलयालम भाषा में माँ की जो बड़ी बहन होती है मतलब जो आपकी मौसी होती हैं उनको क्या कहा जाता है तो यहाँ पे कहा जाता है वली अम्मा और जो नानी होती है नानी को कहा जाता है अम्युमा और चाचा या चा, चा चाची को कुजम्मा और चाचा को चिटप्पन ठीक है तो ये वर्ड्स मिल सकते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि मलयालम भाषा में इनको क्या बोलते हैं या फिर मलयालम भाषा में शब्द आपको मिलेगा और उसकी हिंदी आपको पहचाननी है ठीक नेक्स्ट हम देख लेते हैं गांधी धाम तो ये कहाँ है अहमदाबाद में है वलसाड गुजरात और कोजिकोड़ केरल में है तो यहाँ के कुछ फेमस डिशेस या फेमस फूड की बात की जाएगी तो देखिए अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा ढोकला चटनी लेमन राइस और मीठा ठीक है मतलब मीठा चावल भी वहाँ पे बनाया जाता है ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो मलाबार तट पर कलीकट नाम की जगह है और केरल में आपका है कि कोटायम कोटायम टाउन ठीक है तो ये केरल से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं और ये फूड आपका अहमदाबाद से रिलेटेड है अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कर्णब मल्लेश्वरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करते हैं तो अप्रैल के करंट अफेयर में भी देखा होगा आपने कि कर्नब मल्लेश्वरी को एक स्पेशल टाइटल मिला है तो क्या वो टाइटल है वो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर में कवर कराऊंगी तो देख लेते हैं कर्णब मल्लेश्वरी जो कि एक वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं तेलंगाना से और जब ये बारह वर्ष की थी तभी से इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी एक सौ तीस किलोग्राम तक का ये वज़न उठा लेती हैं और इनकी जो चार बहनें हैं वो भी इसी काम को करती हैं और भारत के बाहर इन्होंने टोटल ट्वेंटी नाइन मेडल्स ये अभी तक जीत चुकी हैं ठीक है तो इनके जो फादर हैं वो एक पुलिस कॉन्स्टेबल थे ठीक अब नेक्स्ट देख लेते हैं फूलों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके एक तो सबसे पहले फूलों की घाटी कहाँ पे है तो ये आपके उत्तराखंड में है चमोली आपने सुना होगा उसके अलावा यूपी में कचनार के फूल और केरल में केले के फूल और मध्य महाराष्ट्र में सहजन के फूल तो ये जो फूल आपने देखे इन सभी स्टेट्स में ये फूल पाए जाते हैं और इन सभी फूलों की बनती है सब्जी ठीक है उसके अलावा गुलदावरी और जीनिया के फूलों से कपड़ों पर रंगाई का काम होता है ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंटिंग में मानव जानवर पेड़ पक्षी मछली फूल आदि दिखाए जाते हैं तो ये एक सिंपल सा फैक्ट है जो आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है मतलब कई दफ़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको इंक्लूड कर दिया जाता है कि पेंटिंग्स में क्या क्या चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाती है मीन्स आप कह सकते हो कि गुलदावरी और जीनिया के जो फूल हैं जिनसे कपड़ों पर रंगाई की जाती है तो कपड़ों पर जब रंगाई की जाती है तो क्या क्या चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाती है तो अधिकतर मानव जान जानवर पेड़ पक्षी मछली फूल ये सब पेंट किए जाते हैं जिसमें कि कलर यूज होता है आपको गुलदाबरी और जीनिया के फूलों से बना हुआ ठीक नेक्स्ट हम देख लेते हैं मधुबनी पेंटिंग जो कि मोस्ट फेमस है सुना होगा आप सभी ने इसका नाम इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है ये मधुबनी जो कि बिहार के एक जिले का नाम है तो यहाँ पे घर की दीवारों पे चित्रकारी की जाती थी जिसमें कि यूज़ किया जाता था चावल के आटे को ठीक है और उस चावल के आटे का घोल बनाकर उसमें फूलों का नेचुरल कलर यूज़ किया जाता था और जो सुंदर पेंटिंग वो बनाई जाती थी उसका नाम रखा गया मधुबनी पेंटिंग ठीक है तो हल्दी फूल पत्ती यही चीज़ें यूज़ की जाती थी नेचुरल कलर उनको देने के लिए जिससे कि बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर ब्राइट लुक आता था नेक्स्ट आपका यूपी का कन्नौज ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था कुछ समय पहले तो जानते ही होंगे आप इत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये उसके अलावा मिट्टी में गोबर मिलाकर के ज़मीन में लीपने से क्या होता है तो इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं ठीक है थीके? इसलिए गोबर से उसको लीपा जाता है नेक्स्ट फिर नीम और कीकर की जो लकड़ियाँ होती हैं इनमें कभी भी दीमक नहीं लगता है तो नेक्स्ट ये कुछ जगह हैं कौन कौन से स्टेट में ये आती हैं ठीक है थीके? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो पी से आप इसको पढ़ सकते हैं नेक्स्ट चलते हम अपने अपने अगले फैक्ट की तरफ गिजू भाई वदेखा जो कि एक राइटर हैं गुजरात से बिलोंग करते हैं और बच्चों के स्तर की काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ और पत्र इन्होंने लिखे हैं बस यही एक छोटा सा फैक्ट था इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि गिजू भाई वदेखा कौन है और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट फिर है आपका एक पक्षी कलचिड़ी जिसको इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है तो इसकी ख़ास बात यह है कि ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है और घास से बनाता है ऊपर टहनिया जड़े ऊन बाल रुई बिछा होता है मतलब कोई भी इस तरीके की चीज़ें घास फूस टाइप जो भी इसको मिलता है उसको बिछा करके अपना ये घोंसला बनाता है उसके अलावा अगर हम कोवे की बात करें तो कोवे के घोंसले में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे लोहे के तार या लकड़ी की शाखाएं और जो कोयल होती है वो भी कोवे के घोंसले में ही अंडे देती है उसके अलावा नेक्स्ट पक्षी है आपका यहाँ पे फाख्ता तो जो ये फाख्ता है वो कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी की मेढ में घोंसला बनाता है उसके अलावा गौरैया जो है वो कहीं भी घोंसला बना लेती है आमतौर पर आपने देखा होगा पहले ये काफ़ी घरों में मिल जाया करती थी लेकिन अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है तो लाइट ब्राउन कलर की ये होती है अलमारी छत आईने के पीछे कहीं पर भी अपने घोंसले बना लेती है उसके अलावा बसंत गौरी जो कि पेड़ के तने में छेद बनाती है और उस छेद में अंडे रखती है फिर नेक्स्ट हम देखेंगे दर्जीन चिड़िया तो देखिए नाम से ही क्लियर है दर्जिन तो ये सिलने का ही काम करती है पत्तों को पीस कर अंडे देना उसे पात्र तैयार करती है मतलब पत्ते जो पेड़ की पत्तियां होती हैं काफी बड़ी बड़ी उनको ये सिल लेती है और फिर उनके बीच में अंडा देती है मतलब उन पत्तों को एक ये पात्र एक मतलब बर्तन या इस टाइप का कुछ बनाने की कोशिश करती है कि जिसके बीच में अपने ये अंडों को रख सके नेक्स्ट है यहाँ पे शक्करखोरा जो कि पेड़ झाड़ी पर लटक लट, लट, लटकता हुआ घोंसला बनाता है मीन्स इसका घोंसला हमेशा नीचे की ओर लटका हुआ रहता है झाड़ी या पेड़ पर और ये भी अपने घोंसले को तैयार करने के लिए बाल रुई छाल कपड़े कुछ भी चीज़ें यूज कर लेता है और जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी पक्षियों से रिलेटेड फैक्ट हमने यहाँ पे देखे वो सारे के सारे आपके मैचिंग्स की फॉर्म में आपको सीटेड पेपर वन ई वी सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे जो नर बीवर होते हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं और जो मादा नर होती है वो अंडे देने के लिए सभी घोंसलों का चुनाव करती है मीन्स वो सारे ही घोंसलों को देखती है जो भी उसको पसंद आता है उसमें वो अंडे देती है ठीक अब हम देख लेते हैं गाय से रिलेटेड कुछ फैक्ट कि गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं जिससे कि वो काटने का काम करती है और पीछे के दांत चपटे होते हैं जिनका इस्तेमाल वो भोजन को चबाने के लिए करती है बिल्ली और कुत्ते की बात करें तो इनके दांत काफ़ी नुकीले होते हैं क्योंकि ये मांस को फाड़ने का काम करते हैं सांप की बात करें तो इसके दांत नुकीले होते हैं लेकिन ये कुछ चबाता नहीं है बल्कि चीज़ों को निगलता है और अगर हम गिलहरी की बात करें तो इसके जो दांत हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश का एक पोचमपली जिला है तो इस जिले में अधिकतर बुनकर परिवार रहते हैं ठीक है मुख्तारपुर गांव का नाम है और खिलौने इत्र और चटाई बुनाई ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं तो पोचमपली किस चीज के लिए फेमस है ये आपसे पूछा जा सकता है तो ये बुनाई के लिए काफी ज्यादा फेमस है नेक्स्ट देख लेते हैं हम चीटी तो चीटियाँ जो होती हैं वो सूंघ करके एक दूसरे के पीछे चलती हैं इसलिए आपने देखा होगा जब भी भी चीटियाँ दिखती हैं आपको एक सीधी लाइन में या फिर एक कर्व लाइन में मतलब कि हमेशा एक लाइन में नज़र आती हैं क्योंकि अपने पीछे इस टाइप की गंद ये छोड़ती हैं कि बाकी की चीटियाँ उसको सूंघ करके फॉलो करके पीछे आ जाती हैं और अगर हम मच्छरों की बात करें तो वो आपके पैरों की गंद या आपके शरीर की गर्मी से आपको ढूंढ लेते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करें सांप की तो इसके बाहरी कान नहीं होते हैं ज़मीनी कंपन से ये महसूस करता है फिर हम देख लेते हैं रेशम का कीड़ा तो कई किलोमीटर दूर से भी ये गंद से फीमेल कीड़ों को ढूंढ लेता है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बाघ की बात करें तो ये अंधेरे में भी हमसे छः गुना ज़्यादा देख सकता है और हवा के कंपन से मूछों द्वारा ये भाप लेता है अपने शिकार को और अगर ये घुरता है तो उसके घुराने की जो आवाज़ है वो तीन किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है तो सुनता भी काफ़ी तेज़ है ये और पत्तियों के फड़फड़ाने की या जानवर के चलने की जो आवाज़ है उसमें ये अंतर कर लेता है मीन्स पत्तियों की जो सरसराहट है वो हवा की वजह से है या फिर उनके पीछे कोई जानवर है इस चीज़ को ये डिफ्रेंशिएट कर लेता है ठीक है अब हम देख लेते हैं जानवरों से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि ये हर चीज़ को सफ़ेद और काला देखते हैं उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका यहाँ पे स्लॉथ जिस पर कि एक इंडिविजुअल क्वेश्चन मींस एक नंबर में क्वेश्चन कई बार इस पर आता है स्लॉथ जो है वो भालू जैसा ही नजर आता है और पेड़ पर उल्टा लटक के सोता है कहीं तो ये बहुत ज्यादा आलसी है क्योंकि तो ये उसी पेड़ के पत्ते खाता है जिस पे ये सोता है और जब उस पेड़ की पत्तियाँ खत्म हो जाती हैं तभी ये दूसरे पेड़ पर जाने का कष्ट करता है अदरवाइज ये अपनी पूरी लाइफ टाइम अगर पेड़ पर बहुत ज्यादा पत्तियाँ हैं तो उसी पेड़ पर काट देता है और अपने 40 साल के जीवन में या फिर कहीं 40 वर्ष का जो जीवन है उसमें ये केवल आठ पेड़ों पर ही घूम पाते हैं ठीक है मतलब कि पाँच पाँच साल ये एक ही पेड़ पर रहते हैं और हफ्ते में केवल ये एक ही बार जमीन पर आता है ठीक है बहुत ज़्यादा आलसी ये होता है नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो ये कहाँ पे है सभी को पता है उत्तराखंड में उसके अलावा घाना राजस्थान में भरतपुर में है और यहाँ पर शिकार करना मना होता है ये चीज़ आप जानते ही हैं और सपेरों की एक जाति होती है जिसका नाम है काल बेलिया तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा काल बेलिया क्या होता है तो वो होती है आपकी सपेरों की एक जाति उसके अलावा नागगुम्फन जो है वो रंगोली है जो कि सौराष्ट्र गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है ठीक है अब हम देख लेते हैं भारत में पाए जाने वाले सभी सांपों के प्रकार तो चार ही प्रकार के जहरीले होते हैं जिसमें कि पहला है आपका नाग करेत दुबोया और अफई तो केवल चार ही प्रकार के जहरीले सांप आपके पाए जाते हैं तो चारों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये ऑप्शन में भी आपको चारों नाम मिल सकते हैं कोई तीन गलत या कोई तीन सही एक गलत इस टाइप से या फिर आपको सीक्वेंस में भी आ, मिल सकते हैं ये ठीक है मतलब आपको कह दिया जाएगा कि सांपों के कितने प्रकार होते हैं और फिर ऑप्शंस में आपको ऐसे दे दिया जाएगा ऑप्शन ए बी बी सी या ऑल ऑफ टाइप से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है तो चारों आपको नाम याद रखने ज़रूरी हैं उसके अलावा सांप के जहर के असर को कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको कहते हैं सीरम जो कि सांप के जहर से ही बनती है ठीक है फिर एक इम्पॉर्टेंट पौधा है आपका निपेंथिस जो कि ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है पिचर प्लांट आपने सुना होगा जो घड़ा जैसा एक पौधा होता है स्पेशल स्मेल जो इंसेक्ट की होती है उसको ये सुन आ, सुन लेता है और अट्रैक्ट होकर के अपने घड़े जैसे सर को खोल देता है और जो कीड़े मकोड़े हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका वेल तो ये स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था 1948 में जो कि काफी टाइम पहले शूज में इस्तेमाल किया जाता था कपड़े जूते बैग आदि में ये प्रयोग होता था ठीक है बीजों पर हुक टाइप का बन जाता है जो कि कपड़ों का आपस में चिपकाने में काम आता है फिर हम बात करें हरी मिर्ची आपकी पुर्तगाल से आई है और दक्षिण अमेरिका से इसको भारत लाया गया फिर टमाटर और आलू को भी कॉफी और भिंडी की बात करें तो ये आपके अफ्रीका से भारत आए है? हैं बंद गोभी है? पहले की ये बात है तो घरसी सर तालाब आपने सुना होगा जो कि जैसलमेर के राजा थे घरसी उन्होंने बनवाया था उसके अलावा पूछा जाता है कि मृत सागर में कितने आ, कितना नमक मिलता है या फिर कितने लीटर में कितना नमक है तो वहाँ पे एक लीटर में तीन सौ ग्राम नमक मिलता है ठीक है बहुत ही ज़्यादा नमक की मात्रा इसमें पाई जाती है दुनिया का सबसे नमकीन सागर इसको कहते हैं और इसी वजह से इसकी डेंसिटी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और इसमें इसी वजह से कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान जनरली डूबता नहीं है आसानी से क्योंकि नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से जो डेंसिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है फिर हम बात करें सुनकोना की तो इसके पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है और एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से होता है ये तो आपको पता ही होगा अगर बात की जाए कि अगर आपको एनीमिया है तो क्या चीज़ें उपाय का काम कर सकती हैं तो वो है गुड़ आंवला हरी पत्तियाँ और सब्ज़ी क्योंकि इनमें आयरन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो अपनी डाइट में आप इनको ऐड करें एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक आपकी सॉल्व हो जाएगी फिर नेक्स्ट आपको रोनाल्डो रॉस जो की भारतीय मूल के हैं और इन्होंने बताया था कि जो मलेरिया है वो मच्छर की वजह से फैलता है ठीक है मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है तो मिजो बोली जाती है और रैपलिंग जो है वो पहाड़ से उतरने की प्रक्रिया को रैपलिंग कहते हैं नेक्स्ट तो देख लेते हैं हिमालय पर चढ़ने वाली पहली महिला तो ये थी बछेंद्री पाल संसार की पांचवी महिला है ये ठीक है और भारत की तरफ से पहली कह सकते हैं आप गढ़वाल के नागुरी गांव की रहने वाली है तेईस मई 1984 के दिन एक बजकर सात मिनट पर इन्होंने ये चढ़ाई की थी और उस टाइम जो ऊंचाई थी वो 8400 एनसीईआरटी एन के अकॉर्डिंग है ये माउंट एवरेस्ट का जो नेपाली नाम है वो है सागर माथा ठीक है नेक्स्ट हम देखें गोलकोंडा का किला तो ये नाइन फिफ्टीन एटीन से सिक्सटीन एट्टी सेवन तक इसकी जो मरम्मत है या इसका जो बनाने का काम है वो हुआ था कंप्लीट कुतुबशाही सुल्तानों ने इस पर राज किया था और नील अमस्ट्रॉन्न की बात करें तो चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे जो कि 1969 में पहुंचे थे ये सभी को पता है बचपन से हम इसको पढ़ते आए हैं मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी पूछी जाए तो वो चौदह सौ किलोमीटर्स है देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं था आपको बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लगेगा ये बट क्योंकि ये फैक्ट आपके एन में गिवन है तो इसलिए इसको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट हम बात करें लद्दाख और लेह में तो पहली निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती ठीक है और छत बनाने के लिए पेड़ों के जो तने हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है नेक्स्ट हम बात करें पश्मीना शॉल की ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें छह स्वेटर के बराबर गर्मी होती है और एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से ये बनती है जो कि लगभग आपकी पांच हजार मीटर की ऊंचाई तक रह सकती है ठीक है एक शॉल को बनाने में ढाई सौ घंटे लगते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत का ये काम है क्योंकि ये हाथों से बनती है और बकरी के जो आठ बाल हैं वो कम से कम आ, हमारे एक बाल के बराबर होता है ठीक है मतलब इतना पतला बाल होता है बहुत ही ज़्यादा हीट उसके अंदर होती है अब हम बात करें जमीन उपजाऊ की तो देखिए जड़ों से पत्तों से शाखा सड़ने से केंचुओं से और अगर केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली मतलब खोखली हो जाती है तो इन इन कारणों से आपकी जो ज़मीन है वो फिर से उपजाऊ हो जाती है और एक चीज़ है आपकी झूम खेती तो झूम खेती मतलब होता है ज़मीन को खाली छोड़ देना जैसे मान लीजिए ये एक फील्ड है यहाँ पे आपने कोई भी क्रॉप लगाई उसको प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद आपने उसको जला दिया और उसको खाली छोड़ के फिर आप किसी और एरिया में चले गए तो वो आपका कहलाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी है लेकिन उस जगह को खाली छोड़ देना आपका झूम कल्टिवेशन कहलाता है नेक्स्ट है फिर आपका चराव जो कि एक डांस है मिजोरम में होता है फसल काटने पर इसको किया जाता है फिर आपके ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि ऑस्ट्रिया के हैं इनका जो जन्म है वो 1882 में हुआ था और मटर के पौधों में अनुवांशिकता की खोज इन्होंने की थी ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि स्कूल जाने के लिए अलग अलग राज्यों में क्या क्या अलग अलग माध्यम यूज़ किए जाते हैं ठीक है थीके? तो बाँस से बने पुल का इस्तेमाल होता है असम में क्योंकि तो वहां पे बहुत ज्यादा बारिश रहती है और ट्रॉली का इस्तेमाल होता है लद्दाख में तो एक चौड़ी घाटी और गहरी नदी और खाई को पार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट के पुल बनाए जाते हैं आपके मैदानी और क्षेत्रों में और पहाड़ों में वल्लम जो हमने पहले भी देखा था केरल में यूज होता है एक लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव ये होती है ठीक है और ऊंट गाड़ी इस्तेमाल होती है राजस्थान में ठीक है क्योंकि ऊंट के पैरों में भी ये ताकत है कि राजस्थान की गर्मी को सहन कर सके एक आम इंसान के लिए उस रेत पर चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है तो मोस्टली वहाँ पे ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और बैलगाड़ी इस्तेमाल होती है मैदानी क्षेत्रों में साइकिल जो है वो आपकी दूर दराज के क्षेत्रों में यूज़ होती है बर्फ़ पर चालक ठीक है ये यूज होता है उत्तर की पहाड़ियों में हाथ पकड़ कर इसको मतलब चलाया जाता है आगे बढ़ाया जाता है उसके अलावा उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते ये हैं आपके उत्तराखंड में ठीक है तो देख लेते हैं अभी कितने टॉपिक्स हमारे रह गए हैं क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो बाकी के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो शायद कम्प्लीट ईवीएस के लिए भी मुझे दो से तीन लेक्चर लेने होंगे तो कुछ पार्ट्स में इस सीरीज़ को हम खत्म करेंगे फ्री पी के लिए आप टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा करते हैं लेक्चर को लास्ट हमने फिनिश किया था आपका ये वाला टॉपिक जिसमें हमने देखा था स्कूल जाने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या माध्यम यूज़ किए जाते हैं ठीक है तो अब हम करने वाले हैं इसमें कुछ फैक्ट हैं आपके जो बर्ड्स या फिर एनिमल्स तो से रिलेटेड हैं तो सबसे पहला है कि एक पक्षी की आंखें जो होती हैं वो उसके सर पर होती हैं और उसके जो कान होते हैं वो पंखों के नीचे छिपे होते हैं जिससे वो सुनने का काम करता है और अगर छिपकली की बात करें तो उसकी भी सेम यही विशेषताएँ है होती हैं और मगरमच्छ की जो आँखें होती हैं वो इस टाइप से होती हैं मीन्स छिपी रहती हैं वो आपको एकदम क्लियरली सामने से नज़र नहीं आती है फिर नेक्स्ट इसमें एक आपको कुछ मीन्स बताया गया है जानवरों के बारे में कि उनके शरीर पर बने जो पैटर्न होते हैं वो उनके बालों की वजह से होते हैं और बिना बालों के कोई भी पैटर्न नहीं होता है तो ये क्वेश्चन आपका सी टेट में आ चुका है ठीक है पेपर वन में उसके अलावा जिन जानवरों के कान और बाल शरीर पर होते हैं देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कई बार पूछा जाता है मैचिंग में भी आ जाता है या फिर स्टेटमेंट बेस्ड भी आ जाता है कि जिन जानवरों के कान होते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वो जन्म देते हैं बच्चों को ठीक है और जिन जानवरों के जो कान होते हैं वो बाहर की तरफ दिखते हैं मीन्स आपको बाहरी कान जिन में मिल जाते हैं वो लोग जनरली अंडे देते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कुछ भाषाओं की अलग अलग स्टेट की कुछ लैंग्वेजेस देखिए लैंग्वेजेस हर स्टेट की आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट होती है बट यहाँ पे आपको सारी ही नहीं पढ़नी है उसका रीज़न ये है कि जो देखिए फैक्ट या जो चीज़ें एनसीईआरटी में गिवन होती हैं वो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो अगर हम एनसीआर की बात करें तो उसमें आपके यही कुछ लैंग्वेजेस और स्टेट्स दिए हुए थे तो हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे सबसे पहले मलयालम केरल में उसके अलावा कोंकणी कर्नाटक में मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में गोवा में और केरल के कुछ भागों में ठीक है उसके अलावा मराठी भी आपकी महाराष्ट्र में भी कुछ रीजन्स में बोली जाती है गोवा में भी दामनदीप में और दादर नागर हवेली में ठीक है गुजराती तो पता ही है सबको गुजरात में बोली जाती है इसके अलावा कन्नड़ जो है वो कर्नाटक में बोली जाती है आंध्र प्रदेश में भी तमिलनाडु में भी और महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स में भी ठीक है नेक्स्ट देखिए एक फैक्ट है आपका ट्रेन से रिलेटेड कि जो ट्रेन का टिकट होता है उस पर क्या क्या चीज़ें मैंशन होती हैं तो क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार ये कि टिकट के ऊपर क्या क्या जानकारियाँ लिखी होती हैं तो देखिए एक तो ट्रेन का नंबर होता है उसके ऊपर एक यात्रा शुरू होने की डेट और टाइम होता है बर्थ और कोच नंबर होता है एक आपका उस पर कॉस्ट होता है किराया कितना है उसके अलावा डिस्टेंस कितना है ठीक है तो ये चीज़ें आपके ट्रेन के टिकट पे मेंशन होती है नेक्स्ट चलते हैं कुछ फैक्ट आपका ट्री से रिलेटेड सबसे पहले बरगद को देखते हैं कि बरगद पे क्या होता है लटके हुए ब्रांचेस होते हैं और एक्चुअली में इसकी जो जड़ें होती हैं वो लटकी हुई रहती है मीन्स जिनको आप समझते हो लटकी हुई वो शाखाएं हैं है, वो असल में इसकी जड़ें होती हैं ठीक है थीके? फिर हम बात करेंगे डेजर्ट ओक तो ये मिलता है जनरली ऑस्ट्रेलिया में और बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं इसकी जड़ें ग्राउंड वाटर को सोखने के लिए जिस पानी को तनी में स्टोर करता है ठीक है जैसे एक बार हमने देखा था राजस्थान में भी किस टाइप का पौधा मिलता है जो कि हमने लास्ट जब एन की क्लास वाइज सीरीज़ ली थी उसमें कवर किया था देखिए अगर ये वीडियो आपको लेंदी लगता है या फिर इससे पहले वाला वीडियो भी आपको लगता है कि आप क्लास को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि किस क्लास के कौन से नोट्स हैं तो इसके अलावा तीन लेक्चर्स में यू वी की ऑलरेडी ले चुकी हूँ जिसमें क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की एन हमने क्लास वाइज ख़त्म की है तो आप उनको भी देख सकते हो काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ हैं वो मेनली फोर फाइव या सिक्स मिनट की वीडियोज़ हैं वो आप उनको भी कर सकते हो और ये हो जाएंगी आपकी कुछ कंप्लीट सीरीज़ जिसमें सारी एन को हम एक साथ कवर कर रहे हैं ठीक है तो बीहू एक त्यौहार है जो कि असम में मनाया जाता है और नई चावल की फसल आने पर इस त्यौहार को मनाते हैं तो फोटीन टू फिफ्टीन जनवरी को ये मनाया जाता है या माघ के महीने में एक से दो तारीख को ठीक है और बांस के द्वारा भेला घर बनाया जाता है इस फेस्टिवल के ओकेजन पे मतलब जैसे जब इस फेस्टिवल को मनाते हैं तो ये चीज़ें ये लोग करते हैं नेक्स्ट हम बात कर लेंगे धाबी तो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात और यहाँ की करेंसी है दिरहम ठीक है तो अब आपको लगेगा कि अभी तक हम पेड़ पौधे और जानवरों को देख रहे थे तो ये करेंसी कहाँ से आ गई तो देखिए भाई ये फैक्ट आपका एन में गिवन है तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है अब हम देख लेंगे केरल के कुछ फल या कुछ पेड़ तो सबसे पहले एक कोकोनट है वहाँ ही तो सभी को पता है और एक आपका सुपारी जिसको बेटल नट भी बोलते हैं बेटल नट एक पपीता केला और ये एक आपका जैक फ्रूट जिसको आप कटहल भी बोलते हैं ठीक है फिर रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र जो पेड़ है वो है आपका डेड पाम्स जिसको बोलते हैं खजूर आप केरल की मसालों की मसालों के, केरल की तो की की केरल के मसालों की बात करें तो देखिए मसालों के लिए केरल बहुत ज़्यादा फेमस है जिसमें कि तेज़ पत्ता काली मिर्च और इलायची है तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे तेज़पत्ता काली मिर्च और इलायची की जो कि केरल के कुछ खास मसाले हैं उसके अलावा गर्म मसालों की बात करें तो इलायची काली मिर्च लौंग दालचीनी अदरक और जीरा इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपका गर्म मसाला प्रिपेयर होता है ठीक है तो कई बार सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आ जाता है बस इसलिए इसको देखना ज़रूरी है अब हम देख लेते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो कि भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और सबसे पहली महिला जिन्होंने परेड की अध्यक्षता की थी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो कि भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और सबसे पहली महिला जिन्होंने परेड की अध्यक्षता की थी जम्मू और कश्मीर के रहने वाली हैं रजौरी जिले की और साथ ही साथ एक परेड में कुल छत्तीस कमांड्स होती हैं ठीक है ठीके? तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रज से रिलेटेड ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं उसके अलावा लद्दाख में तिब्बती भाषा को भोटी भी बोला जाता है ठीक है और मदर को वहाँ पे बोलते हैं गामाले और फादर को गाबाले ठीक है नेक्स्ट है फिर आपका कुत्ता ठीक है तो उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है और दूसरे कुत्ते की पेशाब या मल की गंध से वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं मींस कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कुत्ते होते हैं एक क्षेत्र में वो जाते हैं तो वहाँ पे नहीं रुक करके वो कुछ जगह आगे जाके ठहरते हैं मतलब वो अपने मलमूत्र की जो गंध होती है उससे इस चीज़ का पहचान करके रखते हैं कि कौन सा एरिया उनका है ठीक है तो जैसे उनके एरिया में अगर कोई और डॉग एंटर करता है तो उसको वो वहाँ पे एंटर नहीं होने देते हैं तो क्योंकि स्मेल की वजह से वो इस चीज को पहचान लेते हैं नेक्स्ट है आपका एक पक्षी तो नेक्स्ट तो अब हम देखते हैं पक्षियों से रिलेटेड कुछ आपके फैक्ट या आप कह सकते हो कैरेक्टर्स स्टिक्स हैं कि अधिकतर तो जो पक्षी होते हैं उनकी दोनों जो आंखें होती हैं उनके सर के दोनों तरफ होती हैं ठीक है और एक ही समय में वो दो अलग अलग चीजों पर फोकस कर सकते हैं मीन्स दो अलग अलग डायरेक्शंस पे वो चीज़ों को देख सकते हैं जब सीधे सामने देखते हैं तो एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं और अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो स्टेबल होती हैं मतलब उन्हें देखने के लिए उनको सर को घुमाना पड़ता है आंखें इधर उधर नहीं घूमती है कुछ पक्षी हैं इसमें जैसे कि आपका बैट है बाज है चील के मानव से चार गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं तो ये कुछ पक्षी हैं जो आपके मानव से भी चार गुना दूरी तक देख सकते हैं मतलब अगर हम बात करें तो अगर मानव दो तो मीटर तक की दूरी तक क्लियरली देख पाता है तो वहीं ये पक्षी आठ मीटर तक इजीली देख सकते हैं बिल्कुल चार गुना उसके अलावा जानवर हमारी तरह बहुत सारे रंगों को नहीं देख सकते हैं जैसे हम काफ़ी सारे कलर्स को काफ़ी सारे क्या मोस्टली ऑलमोस्ट सारे ही कलर्स को हम इजीली देख पाते हैं विजुलाइज कर पाते हैं पहचान पाते हैं लेकिन मोस्टली अगर हम जानवरों की बात करें तो दिन में जागने वाले जितने भी जीव हैं

क्वेश्चन जो आया है वो आपका ट्वेंटी नाइनटीन में भी आया था जो जिराफ के ऊपर था और कई बार बिल्ली का भी पूछा गया मींस इस टाइप से सर्कुलर फॉर्म में पूछा जाता है तो वहाँ पे ऐसे शेडेड फॉर्म में आपको मिलेगा कि यहाँ पे मान लीजिए इसको माना है दो घंटे हर पोर्शन को दो दो घंटे माना है तो यहाँ पर दो में शेड है एक और सर्कल होगा जिसमें मान लीजिए किसी तीन पार्ट में शेड होगा तो आपको बताना है कि ये कौन से जानवर या पक्षी का स्लीप टाइम है और ये कौन से जानवर या पक्षी का स्लीप टाइम है इस टाइप से क्वेश्चन बनता है इस पर तो एक बार देख लेते हैं छिपकली जो है वो पूरे एक सीजन तक सोती है उसके अलावा गाय जो है वो चार घंटे सोती है पाइथन अजगर जो होता है वो अठारह घंटे सोता है जिराफ दो घंटे बिल्ली बारह घंटे और हाथी दो से चार घंटे उसके अलावा हम देखते हैं डेंजर टू एनिमल्स मीन्स कुछ जो जानवर है वो खतरे में है तो किन किन कारणों की वजह से वो खतरे में है वो देख लेते हैं जैसे कि टाइगर है तो इसको मारा जाता है अधिकतर देखिए अलर्ट है जानवर है फिर भी खतरे में है क्योंकि इनकी स्किन के लिए इनका शिकार किया जाता है हाथी की बात करें तो दांत के लिए टाइगर है मगरमच्छ है सांप है इन सबको इनकी स्किन चमड़ी के लिए ही मारा जाता है उसके अलावा गेंडा है तो इसको इसके सीन के लिए मारा जाता है कस्तूरी मृग की बात करें तो इसको इत्र बनाने में इस्तेमाल किया जाता है तो इन सब रीजंस की वजह से ये जो जानवर हैं खतरे में है फिर एक क्वेश्चन है आपका जिम कॉर्बिट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है घाना भरतपुर राजस्थान में है और यहाँ पे शिकार करना मना है और यहाँ पे आप जंगल को हानि भी नहीं पहुँचा सकते हैं अब हम देख लेते हैं सांप से रिलेटेड कुछ फै आपके फैक्ट्स सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं स्नेक चार्मर जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो वही होता है आपका सपेरा या कालबेलिया कालबेलिया उसके अलावा नाग जो है ये एक सौराष्ट्र की है साउथ इंडिया की मतलब एक पेंटिंग है डिज़ाइन पेंटिंग जो कि नागों की शेप की होती है जिसमें रंगोली कढ़ाई या मतलब कुछ और डिज़ाइन सजावट की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं सपेरा सांप को उसके डंक से पहचान लेता है सपेरे जो हैं वो जंगलों में पाए जाने वाले कई पेड़ पौधों से दवाइयाँ बना लेते हैं सांप खेतों के चूहों को खाने की वजह से किसान के लिए मददगार भी सहायक होता है कई बार मतलब खेत में चूहे अक्सर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन अगर खेत में सांप है तो वो उन चूहों को खा लेते हैं जिससे कि फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है तो कई बार ये किसान के लिए मददगार भी सहायक होते हैं अब नेक्स्ट देख लेते हैं फूड एंड डाइजेस्टिंग तो अमाशा का अगर तापमान आपसे पूछा जाए तो ये होता है थर्टी डिग्री सेल्सियस उसके अलावा अगर पूछा जाए विच एसिड इज़ फाउंड इन योर स्टमक तो जिसमें जिनसे खाना पचता है Means, आपके स्टमक में कौन सा एसिड है एच है पता है आपको सभी को और उसके अलावा ये किस चीज के लिए यूज होता है मीन्स ये क्यों प्रेजेंट होता है तो खाने को पचाने के लिए ये आपके हमेशा में प्रेजेंट होता है तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपका सी टेट ईवीएस जो कि सी टेट पेपर वन में, में आपका जितने भी सेक्शंस हैं और मेनली एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं तो इस सीरीज़ के ऑलरेडी मैं दो लेक्चर्स ले चुकी हूँ उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी वहाँ से आप उनको देख सकते हैं साथ ही साथ इन लेक्चर्स की अगर आपको पी चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगी ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप पी डाउनलोड कर सकते हैं और ईजीली नोट्स बना सकते हैं क्योंकि बिल्कुल रिफाइन ये नोट्स हैं इसके बाद आपको कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स या जितना भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है सारा ही मैंने इन वीडियोस में नोट्स में इंक्लूड किया है तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मलेरिया की दवाई तक कि किस तरीके से दवाई ये बनती है या फिर किस चीज़ का प्रयोग करके दवाई बनाई जाती है तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि एक चैप्टर है आपका एन में अप एंड गो तो मेनली आपको इस चैप्टर में बताया जाता है कि एक जो लीडर होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं ठीक है थीके? तो माउंटेन क्लाइंबिंग से एक रिलेटेड ये चैप्टर है आपका जिसमें कि एक अच्छे नेता या कह सकते हो अच्छे लीडर की जो गुण या विशेषताएं होती हैं वो आपको बताई गई हैं तो क्या क्या होती हैं देखिए स्टेटमेंट बेस पूछा जा सकता है इसमें भी कि एक अच्छे लीडर की विशेषताएँ क्या होती हैं चार पाँच आपको गिवन होंगी उसमें से आपको देखना होगा कि कौन सी विशेषताएँ होती हैं और कौन सी विशेषता नहीं है इस टाइप से तो एक तो जो अच्छा लीडर होगा वो दूसरों का बैग उठाने में हमेशा मदद करेगा ग्रुप को आगे भेजकर खुद लास्ट में रहेगा मींस अपने वो ग्रुप को एक कमांड देता है और जो नहीं चढ़ पाते हैं उनकी मदद करेगा उसके अलावा रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह का भी चयन करता है जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो और ज़्यादा मतलब जो भी मेंबर्स उनके साथ जा रहे हैं तो एक अच्छे लीडर की ड्यूटीज़ ये होती हैं कि वो अपने पूरे ग्रुप का ध्यान रखे कि, कि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो और सम, अपने ग्रुप के लिए खाने का एक बंदोबस्त करना का करने का काम भी लीडर का होता है अच्छा करने पे दूसरों को क्रेडिट देना कुछ गलत होने पर स्वयं की जिम्मेदारी लेना ठीक है मींस ऐसा नहीं कि अच्छा करने पे आप एप्रिशिएट कर रहे हो लेकिन कुछ गलत करने पे वहीं डांट रहे हो या ये सब चीज़ें नहीं अगर कुछ गलत है तो समझाइए और एज ए लीडर आपकी ज़िम्मेदारी है कि एटलीस्ट गलतियां ना ही हों बट अगर होती हैं तो आप क्या करें एक लीडर के तौर पर आप अपनी ज़िम्मेदारी लें ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन और आयरन ये क्या करते हैं हमें सर्दी में गर्म रखने में सहायक होते हैं उसके अलावा टेकला एक का नाम है जो कि राजस्थान में है 1600 सौ uh, मीटर्स कुछ दूरी है इस जगह से ये ठीक है तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एन में था इसलिए मैंने नोट्स में इंक्लूड किया है बट ये एग्जाम पर्पज़ से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दूसरी चीज़ क्लाइंबिंग करते समय बॉडी का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए ताकि बॉडी सीधी uh, हो रहे ठीक है अब जब माउंटेन क्लाइंबिंग की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे फिर हम बात कर लेते हैं बछिंद्री पाल जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन थी एवरेस्ट पे चढ़ने वाली और पूरे वर्ल्ड में ये फिफ्थ पोजीशन पे थी माउंट एवरेस्ट जिसको नेपाल में सागर मथा कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जो पाल है वो नाकुरी गाँव की है गढ़वाल की रहने वाली हैं ये ठीक है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तर से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट की थी इनके जो गाइड थे वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह और 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए बछिंद्री पाल को चुना गया था ठीक है तो इनकी टीम में टोटल 18 मेंबर्स थे जिसमें कि सात महिलाएं थी इसके अलावा 7,300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ के तूफान से भी सामना किया और करने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी तो 15 मई 1985 में ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर लेती हैं मतलब चढ़ती हैं चढ़ाई करने के लिए शुरू करती हैं तो 23 मई 1984 को दोपहर एक बजकर सात मिनट पर 8,900 मीटर की ऊंचाई पर ये पहुंच जाती हैं और 43 मिनट्स तक ये वहीं रहती हैं ठीक है तो ये कुछ फैक्ट थे आपके पाल से रिलेटेड क्योंकि चैप्टर में सेम टॉपिक था जो लीडर की क्वालिटीज़ हमने देखी वो भी किससे रिलेटेड थी आपकी माउंटेन क्लाइंबिंग से रिलेटेड थी और उसमें हमने डिस्कस कर लिया बछेंद्री पाल को भी अब नेक्स्ट देखते हैं अ अशेल्टर शो आ, सो हाई मतलब कुछ शेल्टर्स काफ़ी ऊंचाई पे बने होते हैं जैसे मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है भारत का ठीक है और दिल्ली हेतु मुंबई से महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान यूपी जम्मू कश्मीर की रोड्स ऊपर खाबड़ हैं लेकिन किसकी वजह से वहाँ पर एक तो माउंटेंस की वजह से लेह लद्दाख पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर से गुजरना पड़ता है पर्वतीय क्षेत्रों में नॉयलैन के टेंट लगाए जाते हैं लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है कई बार जनरली क्वेश्चन ये आ जाता है में कि ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है तो देखिए लद्दाख को ही ठंडा रेगिस्तान कहते हैं उसके अलावा लद्दाख के जो वृक्ष हैं लकड़ी के ढलान छत वाले बर्फ से ढके होते हैं मनाली हिमाचल प्रदेश में है लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है बर्फ से ढके पहाड़ हैं ठंड बहुत ज़्यादा रहती है शुष्क शुष्कता के कारण कोई भी पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं होते हैं झूले झूले का मतलब है यहाँ पे स्वागत स्वागत ठीक है उसके बाद है टू फ्लोर्स की बिल्डिंग्स यहाँ पे होती हैं पत्थर के मकान होते हैं पत्थर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं गीली मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं मोटी क्लेयरिंग की जाती है ठंड से बचने के लिए घर के फर्स्ट फ्लोर में भूसा भरा होता है और सीढ़ियाँ जो होती हैं वो लकड़ी की बनती हैं निचली मंजिल पर जानवरों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी होती हैं मीन्स उनके खाने पीने के लिए और जब ठंड बढ़ जाती है तो स्वयं भी वो लोग लो नीचे ही रहने लग जाते हैं ग्राउंड फ्लोर में विंडोज़ नहीं होती हैं और मोटी पेड़ों मतलब जो मोटे पेड़ होते हैं ना जिनका तना काफ़ी मोटा होता है उस तने का इस्तेमाल करते हैं ये लोग छत बनाने के लिए लाल मिर्च संतरी कलर का, का एक कद्दू होता है पीला भुट्टा लद्दाख में मतलब लद्दाख में ये पाए जाने वाले तीन आपके सब्जियां या फल हैं ठीक है फिर हम बात कर लेते हैं समर सीजन में कुछ खाए जाने वाले फल सब्जी तो सब्जी और फलों को ड्राई करके विंटर के लिए रख दिया जाता है जब ठंड के कारण इन्हें फ्रेश फ्रूट या सब्जी नहीं मिल पाते हैं तो तब ये इनको प्रयोग कर सके तो पहले ही ये प्रिजर्व करके रख देते हैं इसके अलावा लकड़ी की छत है मोटी दीवार ये सब चीजें क्यों बनाई जाती है ताकि ठंड से खुद को बचाया जा सके यहाँ संकुचित रास्ते होते हैं पथरीली पहाड़ियां होती हैं और कहीं कहीं सड़कें भी नहीं होती चांग था नाम की एक जनजाति भी यहाँ पर रहती है पांच हजार मीटर की ऊंचाई पर पथरीले मैदान है वहां पर ठीक है बहुत ऊंची जगहों पर सांस लेने में दिक्कत होती है सर दर्द कमजोरी ये सारी चीजें महसूस हो सकती हैं क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी लो होता है कोई पेट्रोल पंप या मैकेनिक भी आसपास नहीं होता है नेक्स्ट हम बात कर लेंगे यहाँ पे चांगपा जनजाति एक ट्राइबल कम्युनिटी है पहाड़ियों पर ये लोग रहते हैं पाँच हजार किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास सॉरी पाँच हज़ार पाँच हजार जो है वो इनका टोटल नंबर है मतलब इनके ट्राइबल ग्रुप में इतने लोग हैं तो अपनी बकरी भेड़ और बाकी सारी चीजों को साथ में ही लेकर मतलब रहते हैं जहाँ भी रहते हैं उनको हमेशा अपने साथ ही कैरी करते रहते हैं तो भीड़ बकरियों से ही इनको दूध मांस खाल टेंट बनाने के लिए कपड़ा ऊन सारी चीज़ें मिल जाते हैं मीन्स टोटली ये जंगल पे और जानवरों पे ही डिपेंडेंट होते हैं हर परिवार अपने जानवर का एक विशेष चिन्ह लगा कर रखता है और जिस परिवार के पास अधिक भेड़ बकरी होते हैं वो अमीर कहलाता है मीन्स जैसे हमारे आप उसमें देखेंगे ना कि लोगों को क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है अमीर गरीब किस तरीके से आप डिफाइन करते हो उनकी इनकम हाउस या फिर लग्जरीज गाड़ी इन सब चीज़ों के बेसिस पे करते हो तो इनके अंदर क्या है कि जिस कम्युनिटी में जिस ग्रुप के पास या मेंबर या कह सकते हो फैमिली के पास भेड़ बकरियां ज़्यादा होती है ना उनको अमीर माना जाता है और इन्हीं विशेष बकरियों से ही इनको पश्मीना शॉल के लिए भी ऊन मिलती है और ये जो जनजाति है वो ऊंचे और ठंडी जगहों पर ले जाते हैं अपने जानवरों को जिससे ऊन बहुत मुलायम हो सके और गर्मी देने वाली इनको ऊन मिल सके उन्हें बहुत ऊंचाई पर कठिनाई से रखते हैं क्योंकि मवेशी रह सकते हैं ठीक है मीन्स देखिए इंसानों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है रहना ठंड की वजह से लेकिन जानवर जो होते हैं वो अपने बालों की वजह से उस ठंड को कुछ हद तक सहन कर लेते हैं अब जनजातीय लोग अपना सारा जो सामान है वो घोड़ों पर या फिर याकों पर लाद कर रखते हैं और इनके टेंट को कहते हैं रेनबो ठीक है रेनबो या रेमबो आपको मिला आ, मिल जाएगा एग्जाम में इनके याक भी होते हैं याकों के बालों को बुन ये शरीर में एक कवर बना लेते हैं जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है ठंड से तो ठंड में कई बार जीरो डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तापमान चला जाता है बहुत सत्तर किलोमीटर पर आर की स्पीड से वहाँ पे हवाएं चलती हैं और चांग पर जनजाति की जो भाषा है वो होती है चांग थांग जिसका मतलब है जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं चांग थांग श्रीनगर में अलग अलग तरह के घर होते हैं कुछ पहाड़ी पर होते हैं कुछ पानी में होते हैं जैसे बोट होती है उसमें कश्मीर में हर गली में बकरी की शॉप आपको जरूर मिल जाएगी क्योंकि ये लोग रोज रोटियां बनाते नहीं है बल्कि सॉरी एक सेकेंड ये आपका बेकरी है मीन्स कश्मीर की ना हर गली में एक बेकरी की शॉप आपको मिल जाएगी क्योंकि ये लोग क्या करते हैं रोटियां नहीं बनाते हैं बेकरी से ही खरीदते हैं जैसे कि क्लास नाइन्थ की फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी गिवन है अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो और अलग अलग तरह के आवास पहाड़ों पर रहते हैं लोग कुछ पानी में रहते हैं कुछ लकड़ी और पत्थर की डिजाइनिंग से घर बने होते हैं और कुछ गतिशील आवास भी होते हैं जिनको मूव कराया जा सकता है जहाँ चांगपा लोग अपनी भेड़ों को रखते हैं उसे कहते हैं लेखा और यह पत्थरों की दीवारों से बनता है भेड़ों को चराने से ले जाने के बाद में घर की औरतें और जो लड़कियाँ होती हैं उनके द्वारा इनको गिना जाता है लद्दाख में श्रीनगर जाते हुए बीच में कारगिल पड़ता है तो ये कुछ फैक्ट्स है आपके अब हम देखेंगे पशमीना शॉल से रिलेटेड आपके क्या क्या फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं देखिए जनरली इसमें पूछा जाता है कि पश्मीना शॉल जो है उसको बनने में कितना टाइम लगता है या कितने स्वेटर्स के बराबर इसमें गर्मी होती है कितने घंटे लगते हैं यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं ठीक है तो अब बात कर लेते हैं पश्मीना शॉल तो देखिए दिखने में काफ़ी ज़्यादा पतला होता है और हमारे लगभग एक बाल की मोटाई जो होती है वो इस बकरी की छः बाल के बराबर होती है बहुत पतला होता है ये छः स्वेटर के बराबर एक शॉल गर्मी देती है और इतने पतले बालों से मशीन से नहीं बुना जा सकता इसलिए इसको हाथों से बनाया जाता है और लगभग एक शॉल को तैयार होने में ढाई सौ घंटे लगते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है इसलिए काफ़ी महंगी भी मिलती हैं नेक्स्ट है फिर नेक्स श्रीनगर के घर तो श्रीनगर में हाउस बोट होती है एट्टी टू नाइनटी फीट लंबी होती है ये ठीक है और एट्टी एट टू नाइन फीट चौड़ी होती है उसके बाद डोंगा जो कि डल झील या झेलम में पाए जाते हैं तो अंदर से अलग अलग इसमें कमरे होते हैं कंपार्टमेंट्स बने होते हैं हाउस बोट की लकड़ी पर सुंदर कार्विंग देखने को मिल जाती है जिसे खत्म बंद कहते हैं या फिर पजल कहते हैं अब हम बात कर लेते हैं कश्मीर के कुछ गांव की या कश्मीर के गांव में कुछ चीजें हैं कुछ विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं तो पत्थर के टुकड़ों से एक के ऊपर एक रखकर घर बनाते हैं और गीली कीचड़ से लिपाई करते हैं लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है साथ ही साथ छत ढलान वाली होती है कुछ पुराने घरों में विशेष खिड़कियां होती हैं जो कि दीवार से बाहर आया होती है जिसे दब कहते हैं ठीक है इस पर भी लकड़ी के कुछ सुंदर पैटर्न मिल जाते हैं आपको पुराने घर हो गए पत्थर ईंट, लकड़ी से बने होते हैं और दरवाजे और खिड़कियाँ सुंदर एक महराब बने होते हैं मीन्स वहाँ के घरों का गांव का एक स्ट्रक्चर बताया है आपको सिर्फ फिर हम देख लेते हैं जब धरती कापी तो इस टाइप से एक चैप्टर एक हेडिंग है आपके एन में जो कि बताता है एक आपको टू थाउजेंड वन का एक इंसिडेंट कि ट्वेंटी सिक्स जनवरी टू थाउजेंड वन में जब आपका गुजरात कच्छ में एक भूकंप आया था तब की घटना है अहमदाबाद में भी ये आया था तो इसमें बताया जाता है चैप्टर में कि जब भूकंप आए तो क्या करना चाहिए एक तो खुली जगह पर चले जाना चाहिए अगर नहीं जा सकते हैं तो किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाना चाहिए उसको मजबूती से पकड़ लेना चाहिए उसी से ठंडे उसी से गर्म तो ये एक हेडिंग है आपकी फिर से एन के एक चैप्टर में गिवन है तो ये एक स्टोरी है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है इनका नाम जानना इम्पोर्टेंट है ठीक है मीन्स ई में अलग से आपको ये चैप्टर की हेडिंग भी मिल सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि, कि किसने इस स्टोरी को लिखा है नेक्स्ट है हमारे मुंह से आने वाली हवा गर्म या ठंडी हो सकती है यह निर्भर करता है कि बाहर का तापमान कितना है और स्टेथोस्कोप क्या करता है ये हर्ट बीट को मेजर करता है गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा थोड़ी भारी होती है कौन करेगा यह काम तो ये सारे जो हैडिंग्स आप देख रहे हो एनसीआरटी में गिवन है मीन्स चैप्टर्स के नेम है इस तरीके से तो सफाई का काम करने वालों के प्रति संवेदनशील और उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए गांधी जी के मित्र महादेव भाई के बेटे नारायण ठीक है उसके अलावा भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव से में रहते थे और भारतीय संविधान की निर्माण कमेटी के अध्यक्ष भी थे भारत ये भीमराव अम्बेडकर उसके अलावा सोर्स की बात करें तो इंडिया अन बाय स्टेलिन के डॉक्यूमेंट्री थी ये, इससे सोर्स है ये इसका ठीक है उसके बाद फांद ली दीवार ये भी एक चैप्टर है जिसमें आपको क्या बताया गया है कि नाग पांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीमें हैं ये ठीक है जो कि कहाँ की टीमें हैं ये मुंबई की टीम से उसके अलावा विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन जो कि मुंबई में है शोलापुर मुंबई में है वाद विवाद चर्चा के द्वारा लैंगिक भेदभाव जैसे कि सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है लड़की लड़कियों के लिए समान खेल और समान मौके होने चाहिए ठीक है फिर अगर चर्चा की बात करें तो प्लेयर को एबिलिटी के आधार पर देखना चाहिए ना कि उसकी क्लास कास्ट या इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे एक बच्चू खान प्लेग्राउंड ग्राउंड इज इन मुंबई एक कोच के नाम पर है ये ठीक है मुस्तफ़ा खान सभी ने ये नाम सुना होगा इनके नाम पर है ये एन में गिवन है इसलिए इम्पोर्टेंट है इसको देखना फिर हम देख लेते हैं बीज की जुबानी और शायद इस लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक होगा उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी की पॉइंट्स देखिए ट्वेंटी फोर पेज तक हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं टोटल इसमें आपके अप्रॉक्स फोर्टी पेजेस हैं तो मे बी फोर टू फाइव लेक्चर्स हमें लग जाएंगे इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में बट इतना करने के बाद आपको कोई भी एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ईवीएस के नोट्स बनाने की ज़रूरत है इट इज़ मोर देन इनफ तो बीज की जुबानी किसान की कहानी देख लेते हैं ये बंगाल गुजरात का गुजरात की एक जगह है ये ठीक है तो पुराने समय में बीजों को सुरक्षित रखने के लिए लौकी के कवर में रख कर के और मिट्टी से लेप कर रख दिया जाता था नीम की पत्ती को कीड़े से बीज को बचाते हैं ठीक है जो नीम की पत्ती है वो बचाती है किसको कि बीज में कीड़े ना लगें अंधिया जो है देखिए अंधिया नहीं उंधिया बोलते हैं इसको सॉरी उंधिया ये एक सब्जी का नाम है जिसको कि पाट को उल्टा लटकाकर कोयले पे रख के तैयार करते हैं और गुजरात में इसको कहते हैं उल्टा लटकाना इसे बाजरे की रोटी मक्खन दही या छाछ के साथ खाते हैं अब क्रोटन की बात करें तो ये एक पौधा है जो कि सिग्नल देता है कि जब ज़मीन सूख गई है तो उसको सिंचाई की जरूरत है मीन्स पानी की ज़रूरत है तो इसको लगाने का बेनिफिट ये होता है कि ये एक सिग्नल दे देता है आपको कि हाँ अब जमीन में पानी की जरूरत है आपको सिंचाई करने की ज़रूरत है अपनी फसल में केंचवे को कहा जाता है किसान का मित्र ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका किसके जंगल तो इसको भी देख लेते हैं फिर राइट टू फॉरेस्ट एक्ट एक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो कुड़ुक आदिवासी लोगों की एक जनजाति है जो कि झारखंड में रहती है आज जंगल कम हो रहे हैं उसकी वजह क्या है खनन डैम बनाना ये सारी उसकी वजह हैं तोरांग की बात करें तो तोरांग का मतलब होता है जंगल और कुड़ुक का मतलब होता है लौंग ठीक है अब राइट टू फॉरेस्ट एक्ट सूर्यमणि और ये बाकी के सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप बाकी सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए और इस सीरीज़ के लिए मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी मतलब ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कि आपके एनसीईआरटी क्लास वाइज है क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के एनसीईआरटीज हैं उसी में मैं इस सीरीज़ को ऐड कर दूंगी मींस ईवीएस इन अ सिंगल वीडियो कंप्लीट ईवीएस इन अ सिंगल वीडियो के नाम से आपको मिल जाएंगी सारी ही वीडियोज़ और पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू हेलो एवरीवन आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ई की सीरीज़ जो कि हमने सी टेट पेपर वन के लिए स्टार्ट की थी जिसमें ऑलरेडी मैं आपके तीन लेक्चर्स ले चुकी हूँ तो आज भी हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं इसमें हम देख रहे हैं सारी की सारी आपकी एन से जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं ई में वो सारे हम इसमें कवर कर रहे हैं मीन्स कम्प्लीट एन सी हम इसमें देखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे राइट टू फॉरेस्ट एक्ट तो देखिए इस एक्ट में कहा गया है कि जो लोग भी पच्चीस साल से अधिक समय से किसी जंगल में रह रहे होंगे वे उन्हीं का है ठीक है और उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जा सकता वहाँ की सुरक्षा का कार्यभार और साथ ही साथ वहाँ की ग्राम सभा का कार्यभार भी इन्हीं लोगों को दे दिया जाता है जैसे कि कॉलोनियल पीरियड में आपने देखा होगा जब ब्रिटिशर्स ने रेलवे ट्रैक बिछाने स्टार्ट किए थे तो उनको काफ़ी सारे जंगल की ज़रूरत थी तो वो जंगलों को साफ कर देगा क्योंकि जंगलों से लकड़ी को उन्होंने स्लीपर्स बनाने के लिए यूज़ किया था ठीक है तो उस टाइम पे जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती थी उन सभी ने इसका एक प्रोटेस्ट दिखाया कि वो काफ़ी टाइम से उस जंगल में रह रहे हैं तो अब कानूनी तौर पे वो जंगल उनका है और उन्हें वहाँ से नहीं हटाया जा सकता तो ऐसा कुछ इशू आपका उस टाइम पे भी क्रिएट हुआ था बट वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है कि राइट टू फॉरेस्ट एक्ट टू में कितने टाइम पीरियड के लिए क्या बात कही गई थी ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं सूर्यमणि तो एक सच्ची घटना से रिलेटेड है ये एक गर्ल स्टार ऑर्डिनरी गर्ल्स की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कहानियों को गवर्नमेंट द्वारा सुनाया जा सकता है ठीक है एक टीम जमीन एक टीम बीच ज़मीन पर बोया गया है देखिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हैं बट आपके एन सी में इंक्लूडेड था इसलिए इस नोट्स में ये इंक्लूडेड है उसके अलावा झूम खेती की बात करें तो साइकिल में फ़सलें उगाना ये मिजोरम में बहुत ज़्यादा की जाती है झूम खेती ठीक है और अगर हम यहीं पे मिज़ोरम की बात करें कि मिज़ोरम की मुख्य फसल कौन सी है तो वो चावल है और फसल पकने पर तैयार होने पर यहाँ पे एक डांस किया जाता है जिसका नाम है चराओ ठीक है मिजोरम में लॉटरी के तहत साझा ज़मीन को बाटी बांटी से लोगों को खेती के लिए दिया जाता है सॉरी देखिए एक लॉटरी के जरिए ना वहाँ पे ज़मीन को लोगों में बांट दिया जाता है और बारी बारी से सभी को वहाँ पे खेती करने को दी जाती है ठीक है नेक्स्ट है किसकी झलक किसकी छाप ये आपके एन में गिवन है चैप्टर का नेम है तो कुछ गुण हम वंशानुक्रम रूप से प्राप्त करते हैं और कुछ हम एनवायरमेंट से लेते हैं मतलब कुछ आपके अंदर इनहेरिट होते हैं और बाकी आप एनवायरमेंट से क्या करते हो एक करते हो ठीक है तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है सभी को पता है उसके अलावा पोलियो जो है वो एक वंशानुगत बीमारी नहीं है यह है वायरस जनित है ठीक है और डॉक्टर को आ, क्वा में बुलाया जा सकता है कम्युनिटी रिसोर्स उसके अलावा ग्रे ग्रेगर मैंडल हैं जिनका जन्म 1822 में हुआ था और ऑस्ट्रिया के हैं ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं वंशानुक्रम का सबसे पहले पता इन्होंने ही लगाया था सात सालों तक तो इन्होंने लगभग अट्ठाइस हज़ार पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें कि मटर के पौधे का जो इनका एक्सपेरिमेंट है वो मोस्ट फेमस है सभी ने सुना होगा तो उन्होंने क्या देखा कि पौधों में कुछ गुण उनके पेयर्स से होते हैं जैसे मटर का एक बीज या तो चिकना या खुरदरा होगा अब पढ़ाई से इंटरेस्टेड थे तथा तो एग्जाम से डरते थे मठ में रह कर के एक्सपीरिमें एक्सपेरिमेंट्स ये करते रहते थे देखिए पढ़ना इनको पसंद था लेकिन एग्जाम से ये काफी ज्यादा डरते थे उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है आपका एक ऑन द मूव अगेन तो इसमें आपको मोस्टली बताया गया है फसलों के बारे में सबसे सब पहले देख लेते हैं गन्ने की फसल तो ये इंपॉर्टेंट है कि गन्ने की फसल के लिए अधिक पानी की जरूरत होती है उसके अलावा पूरन पोली देखिए पूरन पोली का मतलब होता है मीठी रोटी होती है जिसको गुड़ और चने से बनती है ये और ये तीखी कढ़ी के साथ इसको खाया जाता है तो एक अलग सा एक कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो पूरन पोली जो कि गुड़ और चने से बनने वाली रोटी है और जिसको तीखी कढ़ी से खाया जाता है उसके अलावा कैरावैन ये एक वाहक है देखिए लास्ट में वैन लग गया है तो आपको समझ आ ही गया होगा कि एक वाहन की तरह है जिसमें सभी रहने की सुविधाएं होती हैं जिसके अंदर शौचालय रसोई और रहने का कमरा सारी चीज़ें इस के अंदर होती हैं ठीक है चूहों की नज़र कमजोर होती है लेकिन सूंघने और टच करने और साथ ही साथ टेस्ट करने की जो उनकी सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और अगर हम नागपुर की बात करें तो यहाँ पे दाल में ना चीनी डाल के खाई जाती है तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी वो जगह या कौन सा स्टेट या कहाँ पर दाल में चीनी डाल के खाई जाती है तो ये है आपका नागपुर उसके अलावा नृत्य करते समय हाथ और चेहरे का प्रयोग किया जाता है फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए साथ ही साथ उन्हें मुद्रा आ, मतलब आप अपने हाथ से और हाव भाव दिखाते हो चेहरे से ठीक है उसके अलावा नेक्स्ट है आपका उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार आ चुका है कि कौन सा वो पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है तो वो है आपका उल्लू तो एक पक्षी के पंख उसको उड़ने में मदद करते हैं साथ ही साथ उसको सर्दी से बचाते हैं और साथ ही साथ समय पर उसके पंख गिरते रहते हैं और नए पंख उगते रहते हैं इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो ये एनसीईआरटी की सीरीज़ है अगर आपको ये कंप्लीट सीरीज़ या ये वीडियो आपको लेंदी लगते हैं तो क्लास वाइज सीरीज़ भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें कि हमने क्लास थर्ड क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की अलग अलग सेपरेट वीडियो सेपरेट लेक्चर्स लिए थे तो आप उनको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहाँ से आप उनको देख सकते हो ठीक है नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं ब्रेल लिपि की तो दृष्टि बाधितों के अध्ययन के लिए है ये एक पेपर पर उभरे हुए पॉइंट्स होते हैं जिनको कि आप टच करके फील कर सकते हो मीन्स उनको ऐसे उभार के लिखा जाता है जैसे आपने सुना होगा सहारनपुर में एक आपकी लकड़ी पे नक्काशी होती है जिसको आप हाथ से टच करके फील कर सकते हो काफ़ी सारी पिक्चर्स या अलग अलग डिज़ाइन उसमें बनाए जाते हैं इसी तरीके से आपकी ब्रेल लिपि होती है जिसमें इस तरीके से लिखा जाता है कि जो लोग देख नहीं सकते वो अपनी फिंगर टिप्स के थ्रू टच करके फ़ील कर सकते हैं साइंस कर सकते हैं कि क्या लेटर्स या क्या चीज़ें उस पर लिखी गई हैं इसके अलावा देखिए जो लुइस ब्रेल हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो फ्रांस के निवासी हैं ये और साथ ही साथ अपने पिता को काम के औज़ारों से खेलते थे मींस इनके पिताजी के जो औजार वगैरह हुआ करते थे काम के उनसे खेलते रहते थे और काफ़ी छोटी उम्र में इनकी जो देखने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है मींस इनकी आईसाइड ये खो देते हैं अपनी आंखें इनकी चली जाती हैं तो पढ़ने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे इसलिए इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया और अपनी आँखें खोने के बाद भी पढ़ना इन्होंने नहीं छोड़ा अलग अलग तरीके ये सोचते रहे खोजते रहे और इन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट तैयार कर दी जिससे कि जो लोग इन्हीं की तरह जो जिनकी आंखें नहीं हैं जो देख नहीं सकते वो ब्रेल लिपि के हेल्प से चीज़ों को पढ़ सकें समझ सकें लिपी में सिक्स पॉइंट्स होते हैं सिक्स पॉइंट पे वेस्ट है ही और इसको हम कंप्यूटर का यूज़ करके भी लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम देख सकते हैं शुरुआत में घड़े जो है वो मिट्टी और पत्थरों से बनते थे तो ये सभी को पता है अभी भी बनते हैं काफ़ी जगह पत्थर के जो घड़े हैं वो खुदाई और कार्विंग करके हाथ से बनते थे और कहवा एक चाय है ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ बादाम इलायची इसमें इस्तेमाल होते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में बनाई जाती है और ठंड से बचने के लिए बहुत ज़्यादा इसका वहाँ पे मतलब उपयोग किया जाता है डल झील कहाँ है ये श्रीनगर में है इसके अलावा टूरिस्ट शिकारा की राइड को एंजॉय करते हैं तो शिकारा क्या है ये भी आपकी डल झील में होती है बोट की तरह होती है ठीक है चिड़िया उन कीड़ों को खा जाती है जो फसलों को ख़राब करते हैं ठीक है थीके? तो अगर आपकी फ़ील्ड में चिड़ियाँ हैं तो हर बार उनको भगाना ज़रूरी नहीं है हो सकता है कई बार वो आपके लिए हेल्पफुल हूँ जो कीड़े आपकी फसलों को खाते हैं वो उन कीड़ों को खा जाती हैं इसके अलावा बज्जू गाँव कौन से स्टेट में है तो ये राजस्थान में है मानचित्र पर बने चित्र प्रतीक से बच्चे समझने में मतलब उनको हेल्प होती है डायरेक्शन्स का पता चलता है उनको जैसे रिवर्स हो गई या स्टेट्स हो गए उनके लिए अलग अलग इंडिकेशन्स या साइन आप यूज़ करते हो जिनसे वो उन चीज़ों को समझ पाते हैं ठीक है बच्चों को पानी बचाने की आवश्यकता को लेकर उसके पुण्य उपयोग पर चर्चा करनी चाहिए यह आपके एन में गिवन है वैसे तो ये ई के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ई की पैडोगलॉजी में ये कहीं कही ना कहीं आपको मिल सकता है स्टेटमेंट बेस में ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं हांगकॉन्ग में यहाँ पे सांपको को खाया जाता है मीन सांपो की एक डिश बनती है जिसको कहते हैं लिंग हु पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे मछली जो बनाई जाती है वो सरसों के तेल में बनाई जाती है और गोवा में नारियल के तेल में बनाई जाती है केरल में जमीन के नीचे एक फल उगता है टैपियो का जिसे नारियल का यूज़ करके करी के साथ भी खाते हैं ठीक है अब हम देख लेते हैं टू मेक अ टैंक और अ टैंका तो क्या चीज़ है ये टांका टांका बनाने के लिए ज़मीन में गड्ढा खोते हैं और उसको पक्का कर लेते हैं फिर एक ढक्कन से ढक देते हैं और घर की ढलान वाली छत से पाइप जोड़कर टांका ऊपर पहुंचा दिया जाता है पाइप के मुंह पर जाली लगा देते हैं जिससे कि टंकी में कूड़ा ना जाए तो ये जो पानी है पीने हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है और उसे साफ़ भी कर दिया गया है ठीक है मतलब जब उस पानी को साफ़ कर दिया गया है तब आप उसको पी सकते हैं तो ये थे हमारी एन सी आर टी ई वी एस जो कि पेपर वन के लिए हम कर रहे थे एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी जिसमें तीन लेक्चर्स मैं आपके ले चुकी हूँ तो आज ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट होती है मीन्स चार लेक्चर्स में हमने कंप्लीट एन सी आर टी को कवर कर लिया है सारे लेक्चर्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अदरवाइज़ प्ले लिस्ट से आप पढ़ सकते हैं प्ले लिस्ट का लिंक मैं दे दूंगी सारी वीडियोज़ आपको उसमें मिल जाएंगे नेक्स्ट है यहाँ पे पैडागोजी ऑफ ई वी एस तो देखिए पैडागोलॉजी तो सारी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पैडोगोजी पे भी आपका एक लेक्चर लूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नेक्स्ट फिर हम एन और पैडोगॉजी को डिस्कस कर लेंगे तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए अपना ख्याल रखिए थैंक यू